हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आई थी, तो ले आई हूँ एक छोटे छोटे टिप्स लेकर जो समर के लिए बहुत ही यूजफुल है और छोटे छोटे काम हमारे जीवन में बहुत ही आसान बना देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ समर टिप्स जो हमारे समर, अभी तो मौसम थोड़ी सी बारिश का भी हो गया है लेकिन फिर भी गर्मी तो है ही। तो ये बिंदियाँ होती हैं हमारे गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से हमारे स्किन में कुछ टाइम के लिए रहती है, उसके बाद हट जाती है। तो इसका रीज़न यह है कि इसमें जो फेविकॉल या फिर ग्लू लगा रहता है वो हट जाता है, तो इस वजह से हमारा जो फेस से हट जाता है। तो हम इसको फ्रिज में कुछ टाइम के लिए रख देंगे, फिर इसको यूज करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप है इस तरीके का बैग को लेकर। इस तरीके का बैग हर किसी के यहाँ शॉपिंग करते वक्त हमें कपड़ों के साथ मिल जाता है, तो इस तरीके का बैग का यूज हम बहुत प्रकार से कर सकते हैं और बहुत कोई करते भी हैं। और जिनको नहीं पता है, मैं एक बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार करती हूँ। अक्सर इस तरीके का बैग में हम लंबे लंबे जब रखते हैं ना, कपड़े उधर उधर गिरने लगते हैं, तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जितने भी जो यूज लायक नहीं है वो सारे कपड़े मैं इसमें रख रही हूँ और इसको रख देंगे। जब भी इसका रियूज या फिर कुछ भी करना हो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है, हमारे पास बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं बच्चे के, कुछ मतलब 2 साल भी नहीं लगते कपड़ों को छोटे होने में, तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने यहाँ पर जो यूज लायक है जिसको मुझे रीयूज करना है या फिर कुछ भी पोंछने के लिए, ये छोटे छोटे कपड़े बहुत ही काम आते हैं, तो उसको मैं एक जो बाल्टी होता है इसी में रखती हूँ और जब भी ज़रूरत होता है ये आँखों के सामने होता है वो मुझे मिल जाता है। तो वैसे छोटे छोटे कपड़े मतलब बहुत क्लीनिंग वगैरह में बहुत सारा काम आता है, तो इसको मैंने ये सारे डब्बे में रख दिया है। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है और ये मुझे लगता है छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, इधर उधर मिलते नहीं हैं, और तो मैं इस तरीके से रखती हूँ। तो इस तरीके से डब्बे रखने से गंदे भी हमारे कपड़े नहीं होते हैं और जब चाहे मन हम जो भी यूज़ का कपड़ा हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा बहुत सारा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो चुका है। इसमें हमारे अलमारी का जो स्पेस है वो भी बच जाता है और बहुत सारे कपड़े एक जगह रख जाते हैं और दिखते भी हैं, जो भी जब मन चाहे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है इस तरीके से पिलो कवर। तो कुछ टाइम के बाद ये फेड हो ही जाता है, तो ये पिलो भी फेड हो गया था तो मैंने सोचा कुछ यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने जो भी वेस्ट मतलब क्या यूज कर करके हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं ये सारे कपड़े, तो वैसे वाले कपड़े हैं जो मुझे निकालना नहीं है। इसको मतलब हम अंदर रखने वाले हैं बेड के अंदर, तो इसको आराम से हम, ये दरी भी है विंटर में काम आती है, तो अभी बाहर में रखने लायक नहीं है क्योंकि बाहर में ज़्यादा कपड़े वगैरह रखने से मतलब इधर उधर ज़्यादा बिखरा हुआ लगता है। तो मैंने सोचा कि ये सारे ऑर्गेनाइजर तैयार करती हूँ ताकि वो सेफ भी रहे और जब चाहे मन इस तरीके से रखने से हम निकाल सकते हैं। इसमें हमारा सामान भी सेफ रहेगा और जगह की जो कमी होती है वो भी नहीं होगी, क्योंकि तकिया को हम किसी भी साइड में रख सकते हैं। तो ये एक तरीके से पिलो जैसा ही लगेगा, तैयार होने के बाद आपको पता चलेगा। यदि कोई हमारे घर में गेस्ट वगैरह काफ़ी हो जाते हैं तो सबके लिए तकिया वगैरह भी नहीं होता है, तो इस तरीके से यूज भी कर सकते हैं। तो 2 तरीके से हम यूज कर सकते हैं, तो इसको हम आराम से रख सकते हैं कहीं भी। तो अभी का मौसम ऐसा है, दिन में कड़कती गर्मी है और शाम को बारिश है, तो ऐसे मौसम में फेस का ख़राब होना तो बहुत ही लाजमी है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बर्फ़ जमाए हुए हैं और बर्फ़ को ना बहुत जल्दी निकालना हो तो इस तरीके से पानी डाल के आप आराम से तुरंत निकल जाता है। तो इसको हमें निकालना है और निकालने के बाद हम यूज करेंगे अपने फेस में। और बर्फ़ का जो यूज फेस में हम रफ़ करते हैं बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हमारा फेस ग्लो करता है, ब्लड सर्कुलेशन इसका बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमारे जो फेस की सुंदरता होती है वो बढ़ जाती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको पता होगा, मुझे उतना नहीं पता है लेकिन जितना पता है मुझे बता रही हूँ और मुझे बहुत ही आराम मिला। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा यदि आपने किया ना हो तो। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स लेकर आऊँगी और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिएगा।